नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रूपुंजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं MRPL स्टॉक के बारे में, जिसकी प्राइस चल रही है 86.20 और इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन लग चुका था अपर सर्किट 5% का। एंड सेकंड नंबर का जो स्टॉक है वो है चेन्नई पेट्रोलियम, जिसकी प्राइस चल रही है 305 और इस स्टॉक में भी कंटिन्यू हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है 5% का। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम ये दोनों स्टॉक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टॉक में फिर से हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो इस बार हमें ये दोनों स्टॉक में ऊपर की तरफ कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं और हमें ये दोनों स्टॉक में क्या करना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले MRPL स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों स्टॉक के बारे में जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही दोस्तों, आप नीचे दिए नंबर पर मैसेज करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी और इक्विटी डेरिवेटिव के कॉल मिलेंगे। दोस्तों, MRPL में वीकली पर सबसे पहले हम देखेंगे, जहाँ MRPL में 200 EMA है वीकली पर 60 की प्राइस पर, यानी कि आपको 60 का SL तो मेंटेन करके चलना ही है, जो हम पहले वीडियो से कहते आ रहे हैं। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था MRPL पर 66 की प्राइस पर, तब भी क्लियर कहा था कि आपको 60 का SL मेंटेन करके चलना है, क्योंकि 200 EMA भी है और सपोर्ट भी है, तो आपको 60 का SL मेंटेन करके चलना है। अब हम बात करेंगे डेली पर। डेली पर दोस्तों, हमें इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपट्रेंड तो देखने को मिला है और कई बार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली है, जहां हमें फर्स्ट टाइम यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली थी 40 से, हमें इस स्टॉक में 83 के टारगेट देखने को मिले। उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आया, 66 की प्राइस से फिर से एक अपट्रेंड देखने को मिला, जहां 94 के टारगेट देखने को मिले, यानी कि ऑलमोस्ट 20-25% के टारगेट फिर से देखने को मिले। और फिर से एक डाउन ट्रेंड आया और इस टाइम पर हमें फिर से इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपको एंट्री ली हुई है, तो दोस्तों जैसे ही MRPL 86 और 87 ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो हमें इस स्टॉक में 93 और 94 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 96 की प्राइस पर फिर से MRPL के स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है। अगर MRPL 96 ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है और क्लोजिंग देता है, वॉल्यूम तो हमें धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है जितना पहले देखने को मिल रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं 60 का SL मेंटेन करके। 60 का SL आपको कंपलसरी मेंटेन ही करना है, क्योंकि अगर MRPL 60 के नीचे जाता है तो हमें इस स्टॉक में और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। आपने ऑलरेडी इस स्टॉक में 68 और 67 की प्राइस पर एंट्री ली हुई है, तो अगर आपने इस स्टॉक में 78 या फिर 79 या 80 की प्राइस पर एंट्री ली हुई है, तो दोस्तों आपको इस स्टॉक में 70 का SL मेंटेन करके चलना है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 70 का SL मेंटेन करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि अगर आप इस स्टॉक को 1 ईयर होल्ड करके चल सकते हैं, तो आपको 60 का SL मेंटेन करके चलना है। विदाउट SL किसी भी स्टॉक में एंट्री ना ले। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जैसे ही स्टॉक 96 के ऊपर जाएगा, हमें इस स्टॉक में 110 और 120 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो है चेन्नई पेट्रोलियम, जिसकी प्राइस चल रही है 305 और इस स्टॉक में भी लगा हुआ है अपर सर्किट 5% का। दोस्तों, MRPL की तरह सेम हमें चेन्नई पेट्रोलियम में भी क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला और काफी अच्छे टारगेट भी देखने को मिले हैं, जहां अप्रैल में चेन्नई पेट्रोलियम में सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 200% तक के टारगेट देखने को मिले और MRPL में 100% के टारगेट देखने को मिले। ये दोनों स्टॉक में हमें काफी शानदार टारगेट देखने को मिले, काफी शानदार अपट्रेंड देखने को मिला, लेकिन ये दोनों स्टॉक में हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला और कई बार अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रोलियम की, तो चेन्नई पेट्रोलियम में फिर से हमें एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको चेन्नई पेट्रोलियम के स्टॉक में 250 का SL मेंटेन करके चलना है, जो मैं पहले वीडियो से बताता आ रहा हूँ। मैंने एवरी टाइम जब वीडियो बनाया है, तब चेन्नई पेट्रोलियम और MRPL पर ही बनाया है और उसमें क्लियर बताया है कि आपको क्या SL मेंटेन करके चलना है। फिर से 275 280 की प्राइस पर हमें इस स्टॉक में फिर से एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहां से हमें इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला है। आप 250 का SL मेंटेन करके इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे ही चेन्नई पेट्रोलियम 350 ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है, आई नो अभी थोड़ा दूर है, जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद में इस स्टॉक में हमें ऊपर की तरफ 450 और 500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
इस स्टॉक का भी क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है, तो आप ये दोनों स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं, बट विदाउट एसएल किसी भी स्टॉक में एंट्री ना ले और एसएल के साथ ही स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि जब मार्केट में अगर किसी भी रीजन से डाउन ट्रेंड आया तो हमें ये दोनों स्टॉक में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसलिए आप एसएल कंपलसरी मेंटेन करें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।